हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ फर्टिलिटी कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर में। आज मैं बात करूँगी सीमेन एनालिसिस के बारे में। सीमेन एनालिसिस क्या होता है? देखिए, कंसीव ना करने पर अधिकतर जो महिला है उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन निसंतानता के कारणों में महिला भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कुछ प्रतिशत केसेस में देखा गया है कि केवल महिला रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, कुछ में देखा गया है केवल पुरुष रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और बचे हुए केसेस में दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कुल मिला के 40 से 50% केसेस में मेल इनफर्टिलिटी भी एक प्रमुख कारण हो सकता है निसंतानता का। यहाँ पर फीमेल्स के तो कई टेस्ट कराए जाते हैं, मेल्स में केवल एक टेस्ट करवाना होता है जिसे हम बोलते हैं वीर्य की जांच यानी सीमेन एनालिसिस। आइए जानते हैं पहले तो कि ये सीमेन एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब फीमेल के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पीरियड की शुरुआत में ही एक अंडा विकसित होना शुरू हो जाता है, वह मिड साइकिल तक आते आते फूटता है, बीज बाहर निकलता है उस अंडे में से, फेलोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। ऐसे में जब पति और पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं तो जो मेल पार्टनर है वो गर्भाशय के बाहर 20 से 50 करोड़ शुक्राणु खलित करता है और इनमें से कई शुक्राणु जो हैं तेजी से फीमेल के फेलोपियन ट्यूब तक दौड़ते हैं, लेकिन इनमें से केवल 50 से 100 शुक्राणु ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं जिनकी गतिशीलता अच्छी होती है। इनमें से भी केवल दर्जन भर ही प्रयास करते हैं अंडे को अंडे के अंदर जाने का और केवल एक ही सफल हो पाता है अंडे के अंदर जाकर उसे फर्टिलाइज करने में, फिर आगे भ्रूण बनता है और प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया में अगर जो मेल पार्टनर है उसके शुक्राणुओं में संख्या की कमी हो या उसकी गतिशीलता में कमी हो जिससे कि वो फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए या फर्टिलाइजेशन ना कर पाए तो निसंतानता को कपल का सामना करना पड़ सकता है। तो मेल्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जांच होती है निसंतान दंपतियों के लिए होती है सीमेन एनालिसिस। कब कराया जाए सीमेन एनालिसिस? यदि एक पति पत्नी एक वर्ष या उससे ज्यादा से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं और किसी प्रकार का गर्भ निरोध नहीं कर रहे हैं और नियमित रूप से वो ट्राई कर रहे हैं तो फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो इसको तो हम निसंतानता बोलते हैं। और महिलाओं के टेस्ट के साथ साथ जो पुरुषों में टेस्ट कराना चाहिए वो होता है वीर्य की जांच यानी सीमेन एनालिसिस। इसमें जो पुरुष है उनको केवल एक ही बार हॉस्पिटल आना पड़ता है। आप जानते हैं कि इस टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं। मुख्य जो हम देखते हैं वो है वीर्य में जो शुक्राणुओं की संख्या है, उनकी जो गतिशीलता है, उनका आकार कैसा है, उनकी बनावट कैसी है और जीवित शुक्राणु कितने हैं। ये चार चीजें मुख्य रूप से हम देखते हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो WHO के जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से 15 मिलियन पर ml जो काउंट है वो होना चाहिए वीर्य में अगर पेशेंट को नेचुरली कंसीव करना है। यदि काउंट इससे कम है तो उसको किसी न किसी टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से IUI, IVF एंड ICSI, ये तीन प्रकार के टेक्निक्स का हम कितने काउंट है उस पर निर्धारित होता है कि किसका हम चयन करते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है गतिशीलता यानी उस स्पर्म की जो मोटिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बताया था कि बहुत ही गतिशीलता से इन शुक्राणुओं को तैरना पड़ता है ताकि वो फेलोपियन ट्यूब में जा सके और अंडे अंडे को क्रॉस कर सके। तो यदि अगर संख्या अच्छी है भी लेकिन गतिशीलता में कमी है तब भी जो पार्टनर है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा एग को और ऐसे में निसंतानता हो सकती है। तीसरा जो बात करते हैं वो है आकार की यानी उस स्पर्म के शुक्राणु की बनावट की। यदि संख्या भी अच्छी है, गतिशीलता भी है लेकिन आकार अच्छा नहीं है, वो ठीक प्रकार से डेवलप नहीं हुए स्पर्म्स, तब भी उनको निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। और चौथा जो फैक्टर है वो यह है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन जो मृत शुक्राणु उनकी संख्या अधिक है तब भी फीमेल को जो है निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको इसके बारे में और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर से हम पर संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ IVF सेंटर पे आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। थैंक यू।